गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम। बचाओ! सिपाही, ढूंढो हमें। बहुत छोटे शब्द हैं, क्या टाइगर ने मिलाया सुभाष घाई से हाथ? क्या संजय होंगे फिल्म के प्रोड्यूसर? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज हम ऐसे ही एक फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जो एक सुपरहिट फिल्म का सीक्वल होगा, जिसने निर्देशकों को खलनायक की परिभाषा बताई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म खलनायक की, जिसका सीक्वल जल्द ही आने वाला है। फिल्म खलनायक में हमने ड्रामा, रोमांस और एक्शन सब कुछ देखा, पर जब फिल्म के कलाकार अपने किरदारों को बखूबी निभाते हैं, शायद तभी वो इमोशंस दर्शकों तक पहुंचते हैं। फिल्म खलनायक में माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ और संजय दत्त ने जो मसाला क्रिएट किया, उसे दर्शक आज भी नहीं भूले। की कहानी तो काफी इंटरेस्टिंग थी, जिसमें हमने देखा कि गैंगस्टर बल्लू को अरेस्ट करने के बाद भी वो पुलिस ऑफिसर के नाक के नीचे से भाग जाता है, और फिर गंगा यानी फिल्म की हीरोइन बल्लू को सजा दिलवाने के खुफिया मिशन पर काम करती है। फिर होती है कुछ गलत फहमियाँ, तकरार और प्यार। जब गैंगस्टर को उस खुफिया मिशन के बारे में पता चलता है, तब जो हंगामा होता है वो काफी दिलचस्प था, जिसमें गैंगस्टर बने थे संजय दत्त, पुलिस ऑफिसर जैकी श्रॉफ और अंडरकवर मिशन पर थी माधुरी दीक्षित। अब दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें उससे भी दुगना मसाला देखने को मिलेगा। अब इन कलाकारों के साथ और एक नाम जुड़ चुका है, और वो है सुपर हॉट टाइगर श्रॉफ का। जी हाँ, इस फिल्म में वो खलनायक की भूमिका निभाते नजर आएंगे, तो इस बार टाइगर का एंग्री यंग मैन वाला अवतार देखने को मिलेगा। वैसे आपको एक बात बताएं, दर्शकों से भी पहले संजय दत्त को जल्दी थी सीक्वल बनाने की। उन्होंने डायरेक्टर सुभाष घाई को सीधा रिक्वेस्ट ही कर ली। फिर उन्होंने काफी सोच समझ कर स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू किया। खबरों के अनुसार उन्हें 2 से 2.5 साल लगे खलनायक 2 के कहानी पर काम करने के लिए। सुभाष जी ने इस बार ऑडियंस को, स्पेशली यंग ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए कई अलग फैक्टर्स पर फोकस किया है। ये फिल्म संजय के प्रोडक्शन हाउस में बनाई जाएगी, इसका मतलब कि संजू बाबा ने पहले से ही फिल्म बनाने की तैयारी कर ली थी। बात करें टाइगर की, तो वो अभी इन दिनों काफी बड़े प्रोजेक्ट्स में बिजी है, तो इसमें सवाल आता है कि उन्हें सुभाष घाई की फिल्म के लिए हाँ कैसे बोला। वैसे तो सुभाष जी के साथ काम करना हर किसी का सपना होता है, पर ऐसी कौन सी खास वजह है जिसकी वजह से वो ये मौका गंवाना नहीं चाहते थे? तो आपको बता दें, टाइगर से पहले जैकिश दादा सुभाष जी के काफी अच्छे दोस्त हैं। उन्हें हीरो फिल्म का हीरो बनाने वाले सुभाष जी ही हैं। ये उनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है, क्योंकि इसी फिल्म में उन्हें लीड हीरो की पहचान मिली। वैसे टाइगर का करियर भी काफी अच्छे से चल रहा है और वो ऑलरेडी स्टार बन चुके हैं, पर ये मौका न गंवाने की सलाह जैकी दाने ही अपने बेटे को दी है, ऐसा सुनने में आया है। और ऐसे लेजेंडरी डायरेक्टर के साथ काम करना मतलब करियर को 4 चांद लगाने जैसा है, इसीलिए टाइगर ने सुभाष जी के साथ हाथ मिलाया है। आपको क्या लगता है, क्या टाइगर डायरेक्टर की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाएंगे? बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। इस वीडियो को शेयर और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।